अस्सलाम वालेकुम खवातीन और रात स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफे से होंगे जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। फैसल टोन फेस टू के वाले से मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ। अब तक की तहकीक के मुताबिक यही न्यूज़ है, मे बी गलत हो सके, ठीक है, मैं बिल्कुल जो है एग्जैक्टली सोने पत्थर पर लकीर नहीं, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरा इस यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि मैं डेली न्यूज़ अपडेट करता रहूँ, डेली जो अपडेट्स है अपडेट करता रहूँ, मार्केट कैपेसिटीज़, मार्केट की जो ऑरिएंटेशन है, मार्केट की जो ट्रेड ट्रेड एक फिलॉसफी है मार्केट की, और लोगों का जो बिहेवियर है और रेट्स, ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दोनों यूट्यूब चैनल से आप लोगों को जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ। फैसल टाउन फेस टू के वाले से अभी जो अपडेट आई है, क्योंकि आज मैं खुद जो है फैसल टावर मुझे जाना था किसी ट्रांसफ़र के सिलसिले में, तो वहाँ से अपडेट ये मिली है कि अब जो है ये 5 मरला वाली फाइल, ये जो पुरानी फाइल हैं जो अक्टूबर में जो क्लोज़ हुई थी, ये अभी तक जब ट्रांसफ़र मिल रही थी तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको एक पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल है 5 मरले की, 5,95,000 रुपये जमा है और मैं ये सेल करने जा रहा हूँ, तो ये सेल तब तक नहीं होगी जब तक इसकी एक पेंडिंग इंस्टॉलमेंट, अब एक पेंडिंग इंस्टॉलमेंट मंथली नहीं है, इनकी क्वार्टरली है, 5 मरला के लिए 1,20,000 रुपया, 10 मरला के लिए 2,25,000 रुपया, तो 1,20,000 ही मुझे जमा करवानी थी, या मैं करवाऊँ या परचेजर करवाए और फिर ये ट्रांसफ़र मिलेगी। लेकिन आज से, बल्कि आज फ्राइडे ख़त्म हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम मंडे पीर के दिन से ये बात जो है आज कम्युनिकेट हो गई है कि अब दो इंस्टॉलमेंट्स जमा होंगी। अब तक तो एक इंस्टॉलमेंट से ट्रांसफ़र मिल रही थी, अब दो इंस्टॉलमेंट्स, मतलब अगर आप एक 5 मरला की फाइल सेल आउट कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये जमा कराना था इंस्टॉलमेंट्स की मद में, तो अब दो इंस्टॉलमेंट्स जमा होंगी तब फाइल ट्रांसफ़र होगी, वरना नहीं होगी। तो जो भी सेलर्स हैं, सेलर ज़रा देख लीजिएगा कि अब जो है आपको अगर फाइल सेल करनी है तो आपके लिए चैलेंज ज़्यादा है बायर के लिए, बायर ढूंढने के लिए, और बायर जो है वो ये देख ले कि अब आपको फाइल अगर परचेज़ करनी है तो पहले अगर आपको कोई 6-6.5 लाख उन्हें 7 लाख चाहिए था, अब इसमें 1,20,000 रुपये ऐड कर लें फाइल परचेज़ करने के लिए। अभी भी कहूँगा बाइंग का तो टाइम है ही। अब बात करते हैं ज़रा 5 मरला के हवाले से कि 5 मरला की मार्केट क्या चल रही है। 5 मरला की जो मार्केट है, मेरी तहकीक के मुताबिक मार्केट में जो है फाइल्स शॉर्ट हो चुकी हुई है। मेरी कल की भी तहकीक है, आज की भी तहकीक है, ओवरऑल जो एक चंक आ रहा था मार्केट में सेल्स होने के लिए कि जी बस ये बेचनी है, काफ़ी कॉल्स आती थी लोगों की, सेलर्स की आती थी, अब मार्केट में 5 मरला फाइल डाउन है, नहीं है, जहाँ तक हमारा नहीं है का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, आम लफ्ज़ों में शॉर्टेज है, शॉर्टेज पड़ रही है आम लफ्ज़ों में, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, आम लफ्ज़ों में शॉर्टेज पड़ रही है। और अब 5 मरला के सेलर्स इतने नहीं है, जिन लोगों ने होल्ड की हुई थी अपनी इन्वेस्टमेंट्स 5 मरला की, आज की अपडेट दे रहा हूँ, और मैंने पिछले दिनों पे 1-2 महीने पहले जब मैं मक्का में था, मैंने वहाँ से एक व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि आने वाले टाइम पे एक टाइम आ जाएगा कि जब आप लोग जो है सीक कर रहे होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स फैसल टाउन फेस टू में, और फिर नहीं होंगी। हुआ क्या हुआ, ये कि फैसल टाउन फेस टू में 2 लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, एक वो जिन्होंने लॉन्ग रन पर अपनी कंटिन्यू करनी है, उन्होंने बेचनी ही नहीं है। लेट सपोज आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप लॉन्ग रन के प्लॉट की तरफ जा रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप खाली इसलिए मुझे सुनने के मार्केट अपडेट मिल जाए, आपने फाइल नहीं सेल करनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इसलिए सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए फाइल होल्ड की थी, उन्होंने ये पंगा ले तो लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर तो दी, लेकिन अक्टूबर गुजर गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 8 महीने गुजर गए, उनको मुनाफा नहीं आया, उल्टा जो है उनको फाइल जो है माइनस में सेल करना पड़ी, प्लस एक नई पॉलिसी आ गई, GST लग गया, फिर नई पॉलिसी आ गई जब जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देनी है, फिर एक नई अब आ गई है कि 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इस दौरानिए में जितने लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे वो अपनी फाइलें बेच चुके हैं, अब कोई होल्डिंग कर रहा, अब क्या होल्ड करें, अब दो पहले एक किस्त ड्यू थी, अब 2 किस्त ड्यू है, तो जिन्होंने जिनको ये खबर फैलेगी या आने वाले हफ्ते में जिसको खबर मिलेगी वो फौरन लिक्विफाई कर देंगे, जिन्होंने लॉन्ग रन कंटिन्यू नहीं करनी, या तो वो लोग अपना फैसला बदल लेंगे कि यार अब हम इसको नहीं बेचते, हम कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं, अब वो जब इंस्टॉलमेंट्स लोग जमा करवा देते हैं ना, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं, फिर वो कहते हैं हमने नहीं बेचनी, क्योंकि नॉर्मली इंस्टॉलमेंट जमा हुई फाइल बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, 20% फाइल बेचना आसान होता है, अब तो पॉलिसी भी सख्त हो रही है। तो ओवरऑल अब जो मार्केट सुना रही है, अब मार्केट में बचेंगे ही वो जिनके पास ऑलरेडी, जिन्होंने होल्डिंग आखिर तक लेके जानी है, वो होंगे ही नहीं मार्केट में जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फाइल ली थी और वो माइनस में बेचने के लिए तैयार थे। आने वाले टाइम पे जो फाइल्स अवेलेबल थी सेल सोल्ड आउट हो चुकी होंगी, हो चुकी हैं कहीं तक 70-80% तक, मेरी एनालिसिस के मुताबिक सोल्ड आउट है, 10-20% रह गई हैं जो माइनस वाली हैं, वो शायद आने वाले टाइम पे या अगले हफ्ते में जब ये जब दो इंस्टॉलमेंट्स की जो पॉलिसी बॉम्ब गिरेगा, अगर ये एक्चुअली जो है इंप्लीमेंट हो जाए, तो फिर तो यही आने लगा कि वो जो थोड़े बहुत बच गए उन्होंने भी फाइल सेल आउट कर देनी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होल्डिंग करेंगे, कोई होल्ड करेंगे भी तो उसमें यही होगा कि उनको फिर हो सकता है सरचार्ज लगना शुरू हो जाए। इसीलिए फैसल टाउन फेस टू में अभी मैं कहूँगा कि अगले आने वाला हफ्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं।